हमारे चैनल पे BFA और MFA साथ साथ BA पेंटिंग और MA पेंटिंग के सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम की सभी वीडियो लगभग उपलब्ध हैं, उनसे विद्यार्थीगण चाहें तो अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय कला बाजार को ऊंचाई देने वाले एक ऐसे कलाकार के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने पीछे के तमाम जो प्रवर्ती कलाकार रहे, जो अपने कृतियों को बेचना चाहते थे, कृतियों के लिए बाजार ढूंढ रहे थे, उनके लिए मार्गदर्शक का काम किया। जी हाँ, मकबूल फिदा हुसैन। आज जन जन जो है मकबूल फिदा हुसैन के नाम से ज्ञात है। मकबूल फिदा हुसैन को एक साधारण सा व्यक्ति भी हिंदुस्तान का जानता है। जी हाँ, मकबूल फिदा हुसैन जैसे कलाकार का जन्म महाराष्ट्र के पंडरपुर नामक गांव में शहर आज हो चुका है 1915 में हुआ। इनके पिता एक कपड़े के मिल में काम करने वाले मजदूर थे। इनका परिवार मध्यम श्रेणी का किंतु धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ करता था। हुसैन की आरंभिक शिक्षा इंदौर के आर्ट स्कूल में एक वर्ष तक हुई। उन दिनों में संध्या के समय में ये अक्सर हाथ में लालटेन लेकर इंदौर की सड़कों पर बाहर जाकर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया करते थे। दिन के प्रकाश में जिन चीज़ों को हुसैन देखते थे, उन्हें वे कभी कभी रात में या लालटेन के प्रकाश में कैनवास पर भी चित्रित करने का अभ्यास करते थे। इससे उनकी तेज स्मृति का विकास हुआ और रंग की एक नई अनुभूति लालटेन की रोशनी के बने चित्र में प्राप्त होते हैं। इनमें पीछे की कलाकृति मूल रूप से अभिव्यंजनावादी स्वरूप में दिखाई देती है। कालांतर में हुसैन मुंबई आ गए। वहाँ वे सिनेमा और व्यावसायिक कला के लिए डिजाइनर का काम करने लगे। सिनेमा के पोस्टर इन्होंने बनाए। उन्होंने मुंबई में खिलौना यानी लकड़ी के रंग बिरंगे खिलौने बनाने का काम किया। इन्हीं दिनों इन्होंने रेम्ब्रा और अगस्टस जॉन जैसे यूरोपीय चित्रकारों का अध्ययन किया। इनके बारे में उनको जानने का अवसर मिला। उन्होंने अध्ययन के साथ साथ वास्तविक चित्रों का यानी पोर्ट्रेट पेंटिंग का निर्माण कर अपनी आजीविका चलाई। हुसैन की पहली पेंटिंग मात्र 10 रुपए में बिकी। 10 रुपए की जो खुशी और जो एक बात थी जी, वो आज के 10 लाख में नहीं आती जी। पंडरपुर में हुआ था, लेकिन मेरी वालदा का इंतकाल हो गया 1.5 साल में था जब ही, तो सारी फैमिली इंदौर चली गई थी। अच्छा, तो मैं 2 साल की उम्र में इंदौर पहुंच गया था और वहाँ 17-18 तब वहाँ गुजारा। 1948 में ये दिल्ली गए, जहाँ इन्होंने प्राचीन मथुरा की मूर्ति कला को देखा, जिससे वे काफ़ी प्रभावित हुए। दिल्ली के म्यूजियम में आप जाएंगे तो वहाँ ये मूर्तियाँ संरक्षित हैं मथुरा कला की, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हुसैन ने सारे यूरोप और अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने चित्रों को भी साथ साथ प्रदर्शित किया और आधुनिक संसार की कला तथा पौराणिक कलाकृतियों का भी अध्ययन किया। 1947 में मुंबई आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में मकबूल फिदा हुसैन के बनाए चित्र को पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1955 में मकबूल फिदा हुसैन को उनके एक चित्र जमीन शीर्षक के यह चित्र, जिसके लिए ललित कला अकादमी का उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनका यह चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है। उन्होंने वर्षों तक घोड़ों के चित्र बनाए, जूता, छाता, लालटेन, यह सब जो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए थे, इनके अनेक चित्र इन्होंने बनाए। उन्होंने राजस्थान में भ्रमण किया और वहाँ के जिंदगी को अपने चित्रों में उकेरा। ऊपर आसमान से बरसती हुई जेठ बैसाख की चिलचिलाती धूप और नीचे राजस्थान की तपती सुलगती हुई बालू के बीच बाहर निकलना अपने आप में कठिन अनुभव है, लेकिन हुसैन ने इसे अनुभव ही नहीं किया वरन इसे भोगा। उन्होंने इसके साथ अपने जीवन व्यतीत किया। यह अपने चित्र के विषय की आत्मा के भीतर तक जाकर चित्र के लिए प्रतिबिंब खोज निकालते थे, जो बिल्कुल अपने आप में मौलिक होता था।
बैसाख की दोपहरी में जलते सूरज के गोले परिपाश्वों में और राजस्थान के किसी भाग में न जाने किन क्षणों में और न जाने क्या क्या सोचकर उन्होंने तीन गधों का चित्र बनाया। लेकिन बैसाख के संदर्भ में इस चित्र का अनुभव एकाएक आपके मन को गुदगुदा जरूर देगा, क्योंकि इस चित्र में चटक पीले रंग की बहुलता सोने जैसी धूप को मूर्तिमान करने में सफल हुई है। हुसैन के बनाए हुए ज़्यादातर चित्र भारत के गांवों और कस्बों से संबंधित हैं। इन्होंने चित्र की स्त्री पुरुष की आकृतियां जो बनाई वो बराबर गांव के लोगों की भांति बनाई। पशु पक्षी का भी चित्र इन्होंने बनाया। उनके चित्रों के रंग अत्यंत चटक होते हैं। ये हमेशा नंगे पैर चलते थे। इनके रंगीन चित्र शहर में ध्यान आकर्षित करने के लिए मशहूर रही है। ये रंगों से ही धीरे धीरे आकृतियों और दृश्यों को खड़ा कर देते थे। इन्होंने कुछ छोटी मोटी उर्दू और अंग्रेजी में कविताएं भी लिखी हैं। जो छोटी फिल्में इन्होंने बनाई वे ज़्यादातर राजस्थान के जीवन पर हैं। 1959 में टोक्यो जापान की अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिकी का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ और इस द्विवार्षिकी को हम लोग बिनाले के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1966 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया और 1973 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई। 1991 में हुसैन ने जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में श्वेतांबरी शीर्षक से एक इंस्टॉलेशन प्रदर्शित किया था, जिसमें गैलरी के फर्श पर समाचार पत्रों के रद्दी के टुकड़े को बिखेरा और समूची गैलरी में सफ़ेद कपड़े भी लटकाए थे। यह श्वेतांबरी प्रदर्शनी कला मर्मज्ञों के बीच में और समकालीन कलाकारों के बीच में एक चर्चा का विषय बनी रही। 1992 में हुसैन ने कोलकाता में विनाश निर्मिति उत्सव का आयोजन किया। इसमें उन्होंने 6 दिनों में 6 देवियों के चित्र बनाकर प्रदर्शित किए और 7वें दिन उन सभी 6 कैनवास पर पुनः सफ़ेद रंग लगाकर उन चित्रों को नष्ट कर दिया। कला विद्वान आरवी साखलकर के अनुसार इस तरह के पश्चिमी कला प्रवृत्तियों के अशोचनीय अंधानुकरण से भारतीय कला के स्वरूप के विकास में बाधा आती है। हुसैन ने चीन देश के प्राकृतिक चित्रों से भी प्रेरणा ग्रहण करके चित्र भी बनाए। हुसैन की आधुनिक शैली में चित्रित रागमाला चित्रावली संगीत के अमूल्य ध्वनियों की सहज बिंब प्रतिध्वनित करती है। हुसैन साहब राम मनोहर लोहिया जी से मिले। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा परिचर्चा के दौरान प्रेरणा पाकर उन्होंने भारतीय विषय रामायण पर आधारित भी चित्रण कार्य किया। इनके 3 गधों के चित्र किसान परिवार, राह के साथी और जल चित्र ढोलकिया, बैलगाड़ी, घोड़े, वापसी, विष्णु चक्र, मदर टेरेसा, मदर इंडिया इत्यादि विशेष प्रसिद्ध चित्र हैं। अपने पूरे जीवन यात्रा में इन्होंने पीछे मुड़ करके कभी भी अपने ऊपर उठने वाले प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। हुसैन साहब कहते हैं कि समस्या दौड़ने वालों से नहीं होती है। सभी अपनी अपनी गति से दौड़ रहे हैं। कोई 1 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है, कोई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। उनसे कोई हमारा मतलब नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन जो रुके हुए हैं, जो ठहरे हुए हैं, वह लंगड़ी मार सकते हैं, वह आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। हुसैन साहब ने भारतीय कला बाजार में जोरदार उपस्थिति दी और नव कलाकारों के लिए एक मार्ग को प्रशस्त किया, जिसके कारण आज प्रत्येक भारत का चित्रकार गौरवान्वित महसूस करता है। कम या ज़्यादा नए कलाकारों के चित्र आज बाजार में बिक रहे हैं, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। MF हुसैन साहब इसके प्रवर्तक हैं। विवादों में घिरे रहना भी इनकी एक प्रकृति रही है। हमेशा भारत के कला समाज में
और साधारण समाज में भी इनकी कृतियों को लेकर कटु आलोचना होती रही। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत सरकार के आदेश से भारत देश से इनका निष्कासन हो जाता है और ये कतर देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। भारत सरकार ने इनके द्वारा धार्मिक भावना आहत करने वाले अश्लील चित्रण के कारण इन्हें भारत देश से निष्कासित किया था। अंत समय इन्होंने कतर देश में बिताया। लंदन के रॉयल ब्राम्पटन हॉस्पिटल में 9 जून 2011 को इनका देहावसान हो गया। मकबूल फिदा हुसैन ऐसे तो हिंदुस्तान की एक बड़ी हस्ती के रूप में कला क्षेत्र में जाने जाते हैं, ज्ञात होते हैं, किंतु इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्ट मूवमेंट के सदस्य के रूप में भी जो उपलब्धियां हासिल की और जो चीज़ें नए कलाकारों के लिए प्रस्तुत किया वो आज भी एक स्तंभ है, वो आज भी अनुकरणीय है।